बाड़मेर के कृषि उपज मंडी के कई व्यापारी शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने हाल ही में मंडी में हुए भूखंड आवंटन में घोटाले की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की वास्तविकता से जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर के कृषि उपज मंडी के कई व्यापारी शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने हाल ही में कृषि मंडी में हुए भूखंड आवंटन में घोटाले की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि कृषि मंडी बाड़मेर में 42 भूखंडों के 7-1 अनुज्ञा पत्र धारियों की 42 लोगों की वरीयता सूची में भारी घोटाला हुआ है। भूखंड आवंटन में व्यापारियों ने मंडी प्रशासक को फर्जी बिल दिए हुए हैं। ज्ञापन में व्यापारियों ने सभी 42 अनुज्ञापत्र धारियों के बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन, वैट अधिनियम के तहत वाणिज्यकर विभाग से जांच करवाने, जीएसटी विभाग से जांच करवाने के साथ वास्तविक बिक्री का पता लगाने की मांग की। इसके साथ इन सभी 42 अनुज्ञापत्र धारियों के आयकर विभाग से जांच करवाकर इन्होंने कितनी बिक्री की उसकी वास्तविकता का पता लगा जाए। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की वास्तविकता से जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की। कृषि मंडी आवंटन में भी 42 लोगों की वरीयता सूची निकली थी, जिसके अंदर मतलब ऐसे फर्मों के नाम है जिनके मतलब जीएसटी नंबर नहीं है या जिन्होंने जीएसटी लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्होंने जीएसटी आयकर विभाग और वाणिज्य विभाग में मतलब जीरो के नील के असिस्टेंट में नक्शे दिए। उन्होंने कृषि मंडी अलॉटमेंट के अंदर फर्जी बिल दिए और फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले जब आवंटन विज्ञप्ति निकली गई तब 2005 को वरीयता सूची में लिया गया। उसके बाद आवंटन सूची के अंदर मतलब यहाँ पर लोकल रूप से चेंजिंग करके 2010 को वरीयता सूची में लिया गया। वरीयता सूची में पहले मतलब 2005 तक करे तो 20 से 22 नाम आने ही थे। अब वरीयता सूची में अपने चहेते दलालों और अपने चहेते लोगों के कारण वरीयता सूची में स्पेशल अमेंडमेंट किया गया और 2010 को वरीयता सूची के अंदर लिया गया, जिसका कोई आधार या तुक नहीं है। पहले हम मतलब 1.5 गुना राशि के अंदर 91 लोगों को 41 से 41 दुकानें आवंटन में आनी थी। अब 91 लोगों को हमारे को 20 दुकानें आवंटन के लिए आ रही है। कृषि मंडी सचिव और कृषि मंडी के चहेते लोगों की ये बहुत बड़ा घपला है। मंडी में कई भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं और इस बार एक और मामला हुआ है। इससे पहले जीरा मंडी में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और इस बार ये जो अभी 96 दुकानों का जो आवंटन है इसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है। सबको पता है, मंडी को पता है, प्रशासन पता करे, वो प्रशासन का नाम लेके हमको डराता है। ऐसे तो मतलब कई व्यापारी जो डरे हुए सहमे हुए उस लोगों से सामने आवाज नहीं उठा पाते। हम सीधा यही बोलने हैं, प्रशासन मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहते है। और ये जो बाड़मेर के जैसे जो कार्यवाही अधिकारी ज्ञापन में नाम दिया है कि प्रशासन पता करे जो दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार है उनका प्रशासन पता करे, जो भी कार्यवाही दोषी है उनको सजा दी जाए। व्यापारियों ने बताया कि कृषि मंडी प्रशासन के साथ इन व्यापारियों ने जो धोखाधड़ी व फर्जी बिल पेश किए हैं उसका पता लगाया जाए। कृषि मंडी बाड़मेर के 42 भूखंडों के अनुज्ञापत्र धारियों की 42 लोगों की वरीयता सूची जारी की गई है। उनकी संपूर्ण जांच करके धोखाधड़ी व फर्जी बिल पेश करने वालों का आवंटन खारिज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कृषि उपज मंडी के व्यापारी मौजूद रहे।